किसान न्यूज चैनल की अदर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन की घंटी को अवश्य बजाएं। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज में डिस्ट्रिक्ट कासगंज और विकास क्षेत्र सोरों के गांव मुड़ावली में उपस्थित हूं। यहां के जो जागरूक फार्मर हैं, जो गंगा की गटरी में जो तरबूज तथा वेजिटेबल्स की खेती लगाते हैं, उनसे मैं सभी किसान भाइयों को मिलवाता हूं और वो सारी खेती किस हिसाब से तरबूज की कटरी में करते हैं, क्योंकि वहां रेता का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़ती है किसान के लिए। तो उन्हीं की जवानी हम आप किसान भाइयों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। जो कुछ जागरूक किसान हमारे साथ हैं, आपसे उनसे मिलवाते हैं। ठीक है, नमस्कार भाई साहब। हाँ, हमारे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जो हमारे किसान भाई हैं सामने, देखिए मेरा नाम भाई है, कासगंज का, जिला कासगंज, जिला कासगंज, तहसील का सोरों का, तहसील आपकी सोरों है, विकास क्षेत्र सोरों है, और रहने वाले सर कहाँ के आप? मुड़ावली के। और हमारे जो सारे फार्मर देख रहे हैं सारे यूट्यूब के चैनल के द्वारा, उनको आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। मेरा नंबर है 96 27 46 70 21, और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने अपना नंबर कॉन्टेक्ट बता दिया। साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई हैं, जो अदर अगर गन्ने की कटनी में करना चाहें, तो ये स्टार्टिंग में जब आप इसमें जो नाली बना के लगाते होंगे, तो नाली लगाते समय है आप इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइजर उस टाइम डालते हैं? हम डाई लगाते हैं इसमें सर, डाई लगाते हैं और देसी खाद लगाते हैं। तो आप जो डाई और देसी खाद डालते हैं, ठीक है, तो डाई और देसी खाद एक औसतन कितने हिसाब से डालते हैं? जैसे 20 मीटर पे सर हम 3 किलो डाई डालते हैं। अच्छा, 20 मीटर पे आप 3 किलो डाई डालते हैं? शुरू शुरू में डालते हैं। हाँ हाँ, बाकी भी बात पौधा गाड़ते हैं, बीज गाड़ते हैं। अच्छा, पौधा गाड़ते हैं, पौधे की जो जो आप बीज गाड़ते हैं, हम 3 इंची गहरा गाड़ते हैं। हम किसान भाई को बताना चाहते हैं कि ये जो पौधे का जब लगाते हैं, वो 3 इंच पे आपका ये बीज लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप जब बीज आपका जम के हो जाता है, तो इसमें कोई इंसेक्ट आता है सर, कोई कीड़ा आता है? कीड़ा आता है इसमें, लाल कीड़ा होता है और थोड़ा हल्का छोटा किल्ली में कीड़ा आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये एक लाल, हम किसान भाई को बताना चाह रहे हैं कि इसमें एक लाल कीड़े का अटैक आता है, जैसे ही इसका पौधा निकल के आता है, वो लाल कीड़ा क्या करता है, उसके पत्ते खाने अटैक कर देता है, वो जब पत्ता खा लेता है तो वो पूरे पौधे को नष्ट कर देता है। तो उसके लिए एक आप दवा क्या क्या लगाते हैं, लगभग समथिंग दवा वगैरह लगाते हैं वैसे? अच्छा अच्छा, जैसे जहाँ लगाते हैं, देखो ना हमारी कंपनी की भी एक दवा आती है, बेहतरीन दवा आती है, जिससे कुछ होता नहीं है। अच्छा, जिससे कुछ नहीं होता, ज्यादा नहीं मिलता उससे। ठीक ठीक ठीक, तो मैं आप बताना चाह रहा हूँ, अगर ये किसान भाई को जैसे लाल कीड़ा आपका हो जाए, तो लाल कीड़ा के लिए हमारी कंपनी की एक दवा आती है बॉस प्लस टेपर। आपको किसान भाइयों क्या करना है, ये बॉस प्लस टेपर का 10 ml पर टंकी के हिसाब से आपको मिला के और स्प्रे कर देना है, तो जो लाल कीड़ा वाला अटैक है वो आपका दूर हो जाएगा। जिसके प्रोसीजर आपका लाल कीड़ा लग गया, उसके बाद आप इसमें फिर जैसे अपना वो भी लगाते हैं ना, इसमें फूसा भी लगाते हैं, जैसे लगाते हैं। आप दिखाना भाई साहब, उधर देखो सामने वालों पर जो फूसा लगा हुआ है इन्होंने हटा दिया है, उधर देखें सामने सारा फूसा लगा हुआ है, इधर ये नाली खुदवा रहे हैं इस हिसाब से। यहाँ सफा आता है, सफा आता है। अब जब वो सफा आता है, इससे आपका ये रेता इस पे नहीं आ पाता, बाहर नहीं आती है, पेड़ नहीं मरता है, मिट्टी नहीं आती है, धूल मिट्टी रुक जाती है, रुक जाती है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद जो आप नाली खुदवा रहे हैं, दूसरी बार भी नाली खुदवाते हैं? दूसरी बार भी खुदवाते हैं, उसमें डाई और यूरिया डालते हैं हम। अच्छा, ये क्यों खुदवाते हैं सर? इसकी जड़ आ जाती है, इसकी ताकत मिल जाती है इससे, और जल्दी बढ़ जाता है इसका पेड़। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे ऐसे मॉइस्चर इसे मिलने लगा, क्योंकि जड़ें ज्यादा विकसित हो जाती है। इसके बाद क्या है, जो इनका इन पौधों के लिए ये जो नाली खुदी हुई है, इसमें इन्होंने फर्टिलाइजर ये डलवाया है, देसी खाद डलवाया है, इससे जड़ आ जाती है हमारी, इसके अंदर
तो इससे ताकत बढ़ जाती है, एकदम लार बड़ा हो जाता है पेड़। अच्छा, पौधा बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है और अच्छा खासा वृद्धि और विकास करने लगता है, ठीक है, उसमें विकास करने लगता है, उसके बाद फल फूल अच्छा खासा अच्छा जाता है, उसके बाद कोई क्रिया नहीं करते, स्प्रे करते रहते हैं, स्प्रे करते रहते, कीड़ा मर जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि आप अगर कटरी की, गंगा की कटरी में अगर जहाँ जो नदियां हैं, जहाँ रेताली खेती है, आप फसल करना चाहते हैं तो इसी विधि द्वारा आप किसान भाई कर सकते हैं। मैंने जो हमारे जागरूक फार्मर हैं जीतू सिंह जी, उन्होंने हमारे जो सामने वाले किसान भाई हैं जो अदर जो इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्होंने सारा प्रोसीजर आप सभी लोगों को बता ही दिया है। तो इसी के साथ मैं सभी किसान भाई को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।